नमस्ते, मैं हूं मोनिशा, आपकी स्पिरिचुअल कोच, गाइड, फ्रेंड एंड हीलर। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी दैट आई एम इन क्वारंटीन। मैं पुणे में हूँ, आई एम इन क्वारंटीन। आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कोरोना पॉजिटिव बट नथिंग सीरियस। आई एम एसिम्टोमेटिक और बहुत जल्दी मैं इससे बाहर निकलने वाली हूँ। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ सिखाया, एक लर्निंग छुपी है इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये भूल गई थी हाउ इम्पॉर्टेंट इज माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैं एक नए सिटी में आई हूँ। एक महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे पुणे में, तो नए सिटी में नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सेकेंडरी बना दिया था। और इसीलिए लाइफ ने फिर से मुझे क्वारंटीन कर दिया ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दूं। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो चुके हैं तो हम पुराने लाइफस्टाइल में नहीं जी सकते, बिकॉज स्पिरिचुअल एसेंशन इज अ लाइफस्टाइल। ये एक क्रैश कोर्स नहीं है कुछ पाने का, एक सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और ये मैं भूल गई थी, तो यही मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली है इस क्वारंटीन से, इस आइसोलेशन से, कि मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ध्यान नहीं दे रही थी और मैं मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा फोकस्ड थी। बट काफी टाइम के बाद मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में एंगेज हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा भटक गई थी। बट नाउ आई हैव लर्न माय लेसन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सो मैं अपने इस एक्सपीरियंस से आपको भी यही मैसेज देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो चुके हैं, अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा चुके हैं, इफ यू हैव कम टू प्लेस ऑफ बैलेंस, या फिर आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है एंड यू हैव बीन ड्रॉन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो प्लीज आप भी ये गलती मत कीजिए। दो मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर सो इम्पॉर्टेंट, बट मैंने भी ये गलती की और आज इसका कॉन्सिक्वेंस में भुगत रही हूँ। सो टेक मी एज एन एग्जाम्पल कि क्या होता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बैकसीट में रखते हैं, तो आपको लाइफ फिर से क्वारंटीन कर देगी, फिर से आपका इनर लॉकडाउन होगा, आउटर लॉकडाउन होगा, एंड यू विल बी फोर्स्ड टू गिव योरसेल्फ टाइम टू कनेक्ट विथ योर सोल, टू कनेक्ट विथ योर डिवाइन, एंड सेल्फ लव में फिर से आप एंगेज हो जाइए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप बार बार अपने मेहनत को ऐसे वेस्ट होता देखे जैसे मैंने किया। मैंने एक महीने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, आई वॉज हैविंग सो मेनी एक्सक्यूजेस। मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम फीलिंग लेजी, कल करेंगे। ये मुझे सबक मिला है कि नो मैटर हाउ बिजी योर लाइफ इज, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी रखते हैं, उसको प्रायोरिटी बनाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, तो लाइफ आपको कॉम्पेंसेट करेगी एंड लाइफ विल रिवॉर्ड यू। इसके लिए भले ही आपको थोड़ा कम सोना पड़े, इसके लिए भले ही आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज से डिस्कनेक्ट होना पड़े, लेकिन हमें, आपको, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी देनी ही है, क्योंकि हम ऐसे ही तो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। इसका एक डिवाइन पर्पस है, इसका एक बिगर पर्पस है, एक बहुत ही बिग मिशन है जिसके लिए डिवाइन ने आपको और मुझे चुना है। एक ग्रोइंग प्रोसेस से हम जा चुके हैं, या तो आप जा रहे होंगे, एंड अपनी लापरवाही से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपनी मेहनत पे पानी ना फेरिए। आपने बहुत मेहनत की होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि कितना ग्रूलिंग प्रोसेस होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ये स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। बहुत कुछ सहा है आपने, तो फिर से ग्राउंड जीरो पे ना जाइए। आप प्रोग्रेस कीजिए, आप एसेंड कीजिए, वन स्टेप एट ए टाइम, एक स्टेप आगे और पांच स्टेप पीछे ना लीजिए। मैंने भी ये सीखा, मैंने भी इसके कॉन्सिक्वेंस देखे, एक स्टेप लेके पांच कदम पीछे जाना क्या होता है मैंने फिर से देखा। तो मैं भी ये गलती फिर से नहीं करूंगी, आई बी वेरी डिलीजेंट। और चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम, थोड़ी जल्दी ही क्यों ना उठना पड़े या थोड़ा कम क्यों ना सोना पड़े, लेकिन मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी बनाने वाली हूँ। तो मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, मेरी मिस्टेक से आप सीखेंगे कुछ, और ये गलती आप ना कीजिए। यही मकसद है मेरे ये वीडियोस बनाने का, ताकि आप वो सब ना कीजिए जो मैंने किया है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को मैं ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस है,
मेरे थ्रू अगर ये यू नो कम हो सके, छोटा हो सके, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी एंड मुझे लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। अगर मैं कुछ भी करके आपके प्रोसेस को थोड़ा सा हल्का कर सकूं, थोड़ा इजी कर सकूं, थोड़ा सा मोर फन एंड मोर एजुकेटिव बना सकूं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं क्वारंटीन में हूं, दिस इज माई थर्ड डे, बट आई विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर एंड विद मोर रेजिलियंस एंड विद मोर डिटर्मिनेशन कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन और कॉमेंट्स के लिए। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।